देश की आज़ादी को 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इस बार हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हम आज के इस अवसर पर लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को हंसी खुशी हर्षोल्लास के साथ सभी लोग मनाएं। और मैं इस मौके पर जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी, जिन लोगों ने यातनाएं सही, जाने अनजाने देश की आज़ादी में उनका सहयोग रहा, सभी को मैं इस मौके पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर हम सभी लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि जिस आज़ादी को पाने के लिए लोगों ने इतने प्रयास किए, तमाम जो अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालने के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, संघर्ष किया, उस आज़ादी को हमें अक्षुण रखना है। हमें धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर आपस में झगड़े ना करके देश की एकता अखंडता को मजबूत करना है, यही हमारा लोगों से अनुरोध है। और चूँकि रक्षाबंधन का त्यौहार भी है, इसलिए मैं जहां अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, वहीं रक्षाबंधन के अवसर पर सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूं। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर हम सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार पर सभी लोगों को मुबारकबाद देते हैं और जन्माष्टमी का भी हमारा पवित्र त्यौहार है, इस त्यौहार पर भी मैं सभी लोगों को अपनी ओर